हाय डिवाइन सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जो अभी आप लोग एनर्जीज फील कर रहे हैं, आपके डिवाइन मैस्कुलिन की क्या करंट एनर्जीज है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों की एनर्जी के बारे में बात करना चाहती हूँ, जो अभी आप लोग फील कर रहे हैं कल इवनिंग से ही, और कल नाइट में जो आप पर अटैक्स हुए हैं वो एक निगेटिविटी का अटैक ही है, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा लो करने की कोशिश कर रही हैं। और ये एनर्जीज आखिर में ऐसे क्यों आप लोगों को फील हो रही है? जो आप लोगों का अभी जो टाइम ख़राब चल रहा है, और जो एक नया टाइम आने वाला है, एक न्यू बिगनिंग आने वाली है, तो उस वजह से आप पर अटैक्स हो रहे हैं, जहाँ पे आप लो फील करो और आगे ना बढ़ो। जो भी आप एक गोल सेट कर रहे हो, तो वहाँ पर भी आप उस चीज़ को गोल सेट ना कर पाओ। कहीं ना कहीं ये जो एनर्जीज होती है आपको किसी भी तरीके से रोकने की कोशिश करती है कि आप किसी भी तरीके से आगे ना बढ़ सको। काफ़ी डीएफ को ये नाइट में फील हुआ होगा, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज थी। सोते सोते आप लोग उठे हो, और जब आप लोग उठे हो तो बहुत ज़्यादा ट्रिगर हुए हो, क्योंकि ड्रीम्स में भी आप लोगों को ऐसी कुछ चीज़ें देखने के लिए मिली है जहाँ पर आप बहुत बुरी तरीके से ट्रिगर हुए हो। स्पेशली जहाँ पे आप एक आपका कोई भी क्लोज वन हो, कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली में हो गई, आपके मम्मी पापा हो गए, या आपकी शादी हो चुकी है, आपका बेबी हो गया, या आपके डीएम कोई भी जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच हो, तो ड्रीम में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई गई है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डर लगा है। जैसे कि किसी की मम्मी की डेथ को दिखाया गया है, या डीएम की शादी को दिखाया गया है, मतलब कुछ ना कुछ आप लोगों को ड्रीम में दिखाया गया है जिससे आप ट्रिगर हो। और स्पेशली आपके रूट सैक्रल चक्रा और हार्ट चक्रा में ये अटैक्स हुए हैं, और ये आप लोगों को फील भी हो रहा होगा सैक्रल चक्रा में, हार्ट चक्रा में और रूट चक्रा में पेन वगैरह, और थोड़ी सेक्सुअल एनर्जीज भी आप लोगों को फील हो रही होगी। हार्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन और एक बहुत तेज वाइब्रेशन सा फील हो रहा होगा, बेचैनी, घबराहट सी, कि मतलब कुछ ना कुछ मतलब होने वाला है। और आपकी राइट आइज होता ना एक फड़कती, तो आप लोगों को पता चल रहा था कि मतलब कुछ ना कुछ ट्रिगर आने वाला है या कुछ बुरा होने वाला है। तो ये एनर्जीज कल इवनिंग से ही स्टार्ट हो चुकी है, बट जो ये रात में 2 बजे से ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा और हैवी हुई है, तो सोते सोते बहुत जो एक होता है ना कि एक गहरी नींद में आप लोग जा रहे थे, बट सडन से उठे हो, और उस नींद में उठने के बाद आप लोग काफ़ी डरे भी हो, काफ़ी मतलब उल्टे सीधे ड्रीम भी देखे हो। तो ये एनर्जी सिर्फ आप लोगों को लो करने की कोशिश कर रही है, और इन लोगों का मकसद कुछ भी नहीं होता है। तो जो भी चीज़ें आप लोग देखे हो ड्रीम में, उसको लेट गो करना है। और अभी इस वक्त काफ़ी डीएफ के हार्ट ब्रेक हुए हैं, मतलब, और उन लोग खुद ही अपनी ज़रूरत से ज़्यादा काम को ले रही हैं। एक होता है ना कि अगर ऑफिस में काम कर रही हैं, तो अगर वो काम नहीं भी कर पा रही ना उतना, तो उनको उतना लोड दिया जा रहा है, या खुद भी वो ले रही है। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, जितना आप लोग ले सकते हैं काम उतना लीजिए, क्योंकि ये आपकी हेल्थ पे भी असर डाल रहा है। और कहीं पे भी जो आपके हार्ट ब्रेक हुए हैं, कहीं पर भी हो सकता है, आपके ऑफिस में हो गया, आपके फैमिली में हो गया, या डीएम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं कि थर्ड पार्टी का चीज़ें सामने आई है, या फिर घर पे ऐसी चीज़ें हो रही है जहाँ पे आपको हटाया जा रहा है, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा हो रही है जहाँ पे आपका बुरी तरीके से हार्ट ब्रेक हो रहा है, उस तरीके से भी आपको लो कराया जा रहा है। स्पेशली आपके फैमिली से, फैमिली हो गया और आपके वर्क प्लेस हो गया, आपके डीएम हो गया, इन सारी चीज़ों को ना आपको मतलब उससे वो कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं कि उसी तरीके से आपको लो किया जाए। बट उसमें आप लोगों को थोड़ा सा संभल के रहना है, बिल्कुल भी किसी भी चीज़ में रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आ रहा है। जो भी चीज़ें चल रही थी खराब, जिन्होंने बहुत अच्छे से डीएफ आप लोगों ने काम किया है खुद पर, तो अब आप लोगों का एक नया साइकिल स्टार्ट होने वाला है। तो उससे जब भी एक नया साइकिल स्टार्ट होता है, उसके पहले ये ट्रिगर आते ही हैं, निगेटिविटी का अटैक होता ही है, तो उससे आप लोगों को डरना नहीं है। कोई भी अगर आप ड्रीम देखे हो, तो उसको लेट गो कर दो। कुछ भी हो, जो चीज़ें अगर होने वाली है तो वो तो होगी ना। अगर आप किसी भी ड्रीम को देख के बहुत ट्रिगर हो रहे हो, तो वो ठीक नहीं है आप लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा एक सन की एनर्जी में हो आप लोग, कुछ ना कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे मैं सन की एनर्जी बोलूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई टैरोट कार्ड की रीडिंग कर रही हूँ।
जो भी चीज़ें होती है वो चैनलिंग हो रही है वो मैं बता रही हूँ। जब भी मैं टैरो रीडिंग करूँगी तो वो स्पेशली मैं आपको बताऊँगी या दिखाऊँगी कि ये अभी टैरो रीडिंग के थ्रू मैं आप लोगों को चैनलिंग बता रही हूँ, ठीक है। और अभी आप लोगों को जो भी नंबर दिख रहे हैं उसमें आप लोगों को 11-11 हो गया, 111 हो गया जो एक न्यू बिगनिंग को शो करता है, और 555 नंबर जो एक ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है, 999 किसी एंडिंग को शो करता है, तो ये सब नंबर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं ये आपकी एनर्जी से रेजोनेट करती है। एक नया साइकिल स्टार्ट होने वाला है। काफ़ी जो आप लोगों ने एक पेन देखा है अपनी लाइफ में वो अब धीरे धीरे हट रहा है। तो उससे पहले एक झटका आता है, एक टावर मोमेंट आता है, तो उससे भी आप लोगों को डरना नहीं है। जो भी चीज़ें आ रही हैं उसको देखिए और लेट गो करते जाइए। अगर कोई घर पे लड़ाई झगड़ा आपसे कर रहा है तो बिल्कुल भी कुछ भी बोलना नहीं है, किसी भी चीज़ में रिएक्ट नहीं करना है। अगर कोई बहुत क्लोज वन है आपका, वो भी आके आपसे लड़ रहे हैं, कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ें बोल रहे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं बोलना है। और अपनी ऑरा को अच्छे से क्लींस करो, दिन में 2-3 बार अच्छे से आप लोगों को क्लींसिंग करना है, जिससे भी आप लोग सुबह से रात तक मिलते हो तो सोते वक्त उनसे कॉर्ड कट करना है। सबसे आप लोगों को कॉर्ड कट करना है, बिल्कुल भी मतलब उनकी एनर्जीज को अपनी ऑरा में चिपकने नहीं भी देना है। कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली वाले हो, इवन मैं भी, अगर आप मेरा वीडियो भी सुन रहे हो तो वीडियो सुनने के बाद मुझसे भी आप लोग कॉर्ड कट करो, क्योंकि हमें ज़रूरी होता है जिस जर्नी में हम हैं तो वहाँ पर हमें फूक के कदम रखना पड़ता है कि हम किसी से क्या ले रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा संभालिए, अपनी एनर्जीज को अच्छे से क्लींस करिए, थोड़ा नेचर में टाइम स्पेंड करिए। कुछ चीज़ अच्छी नहीं लग रहा है, थका फील कर रहे हो, है ना, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, जो आपकी सोल गाइड कर रही है वो करो, क्योंकि आपकी जो सोल है वो आपको कभी भी गाइड नहीं करेगी। बस आपको लो नहीं होना है और किसी भी सिचुएशन में निगेटिव नहीं होना है कि पता नहीं ये जर्नी कम्प्लीट होगी कि नहीं होनी, किसी को जज भी नहीं करना है। और अभी आपके डिवाइन मैस्कुलिन की ये हालत है कि अभी बहुत ज़्यादा उन पर प्रेशर आ गया है, हर चीज़ का बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अगर वो जॉब पे हैं, उनका बिजनेस है, उनका ध्यान अभी सिर्फ काम पे है और उनकी एनर्जी अभी बहुत स्लो है। अगर वो आपकी तरफ आने की भी कोशिश करेंगे तो अभी टाइम है, क्योंकि उनकी एनर्जी से आप लोग खुद फील कर रहे होंगे अभी टाइम है, क्योंकि हीलिंग का जो टाइम होता है उसमें बहुत टाइम लगता है। आप खुद देखे होंगे कि आपने कितना वर्क किया है, तो वो चीज़ धीरे धीरे ही हील होते जाएगी। अब वो अपने फैमिली में भी थोड़ी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वहाँ से भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, क्योंकि अभी जो उनका कर्मा बैलेंस का टाइम है तो वहाँ से सारी चीज़ें खराब हो रही हैं, चाहे वो उनका ऑफिस हो, चाहे वो जॉब हो, कुछ भी हो सकता है, उनका बिजनेस हो या फैमिली हो, कुछ भी। और वो सोच रहे हैं कि अगर वो इंडिया में हैं तो कहीं फॉरेन में जाके जॉब करे, मतलब अदर कंट्री में वो जाने का सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर जहाँ पर भी वो करंट में हैं तो वहाँ से चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो वो बाहर जाने की सोच रहे हैं। मतलब अगर वो फॉरेन में हैं तो वो इंडिया का सोच रहे हैं आने के लिए, अगर इंडिया में हैं तो वो फॉरेन कंट्री में जाने के लिए सोच रहे हैं। एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा बस काम ही काम, इतना ज़्यादा लोड ले लिए, जिस तरीके से आप ले रहे हो और आपको मिल रही है चीज़ें कि ये भी करना है वो भी करना है, सेम डीएम भी वो एनर्जी पे है, उनको भी काम का लोड बहुत मिल रहा है और वो थोड़ा थोड़ा निगेटिव भी हो रहे हैं किसी सिचुएशन में, क्योंकि अभी उनके आसपास की एनर्जी ही कुछ ऐसी है कि बहुत निगेटिव लोग हैं, तो उनकी एनर्जीज को भी वो पिक कर रहे हैं, तो खुद भी लो हो रहे हैं कि कहाँ मैं आके फंस गया हूँ। अगर कोई चीज़ स्टार्ट किए होंगे तो वो भी ख़राब हो रहा है कि कब तक ऐसा चलेगा, कहीं पर भी शांति नहीं है, इसलिए एनर्जी एकदम स्लो हो गई है। किसी के बारे में अभी सोचने समझने की उनको हिम्मत ही नहीं है, सिर्फ अभी ये सोच रहे हैं कि मैं अभी जिस सिचुएशन में हूँ, इतना निगेटिव हो रहा हूँ, जो मतलब शांति ही नहीं है, उससे मैं कैसे बाहर आऊँ, कैसे चीज़ों को मैं ठीक करूँ। इसलिए ये एनर्जी आप लोग भी फील कर रहे होंगे कभी कभी कि कुछ चीज़ बुरा हो रहा है या कुछ चीज़ें ठीक नहीं है, मतलब अपने आप ही आप बैठे हो और आप लोगों को लगेगा यार कुछ तो चीज़ है जो ख़राब चल रही है या ख़राब हो रही है। तो ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है, क्योंकि आप बहुत बैलेंस हो, आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक है, लेकिन कहीं अगर आपको ये फील हो रहा है नहीं कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है, तो ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है। तो उनको आप टेलीपैथी में बात करो, उनको गाइड कर सकते हो आप लोग
कि आप लोगों को हिम्मत रखना है, जो भी चीज़ें हो रही हैं आप लोगों के लिए अच्छी है, हीलिंग का प्रोसेस हो रहा है, तो ऐसी चीज़ें होती हैं, इससे डरना नहीं है। और यूनिवर्स से, आर्चेंजल माइकल से आप लोग प्रोटेक्शन के लिए बोलो कि उनको प्रोटेक्शन दो, उनको हिम्मत दो, जो भी अभी सिचुएशन चल रही है तो उससे वो बाहर आ सके। ये डिवाइन फेमिनिन, ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जी से, अभी उनकी एनर्जी बहुत स्लो है, अभी वो किसी से बात करने के मूड में नहीं है, अभी बहुत हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है उनका भी और आप दोनों का। तो इसलिए अपने अपने वर्क फील्ड में काम करो, आपका जो काम सामने आ रहा है उसको करो, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा काम नहीं लेना है, जितना मिल रहा है उतना करो। और अपने डीएम के लिए अच्छे से प्रोटेक्शन मांगो, उनके लिए प्रेयर करो, खुद के लिए भी मांगो। जो भी चीज़ें सामने आ रही है उसको लेट गो करते रहो और चीज़ों को देखो। अगर ना जो चीज़ें आप लोगों के सामने आती है ना, तो उसे सीख भी लेना है आपको। कोई भी ट्रिगर आप लोगों के सामने आता है तो ये नहीं कि बस उसको, हाँ ठीक है मुझे इसमें रिएक्ट नहीं करना है, बस लेट गो, ऐसा नहीं। कुछ भी चीज़ें आपके सामने आई तो कोई भी वजह हो सकती है, तो उसको देखो, उससे कुछ सीख लो। अगर कोई भी इशू है आपके अंदर, कोई भी हो सकता है, अगर आप उस चीज़ को समझ जाओगे कि हाँ मतलब मैंने ये गलती की है, तो वो वहीं पर हील हो जाती है। तो ये इस चीज़ को जब आप लोग समझने लगते हो ना, तो आप लोगों की जो हीलिंग प्रोसेस होता है वो बहुत स्पीड से होता है। तो जैसे जैसे आपकी एनर्जी रहेगी वैसे सेम आपके डीएम की रहेगी, क्योंकि डीएम आपको ही मिरर करते हैं। अभी आप लोगों की एनर्जी स्लो है तो आपके डीएम की एनर्जी भी स्लो है। आप लोगों को हाई वाइब्रेशन में जाना है ताकि वो भी एक्शन ले, चीज़ों को समझे और अपने जो भी कार्मिक है जो उनके अभी तक रिलीज़ नहीं हुए हैं तो उनको भी रिलीज़ करे फटाफट। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आई होगी कि क्या चीज़ें अभी कलेक्टिव में चल रही है। बहुत अगर लो फील हो रहा है, रोना आ रहा है, हार्ट पेन हो रहा है, या आपके सैक्रल रूट में ये सब पेन वगैरह हो रहा है, तो ये एक निगेटिविटी का अटैक है। थोड़ा अपने ऑरा को अच्छे से क्लिनजिंग करो, 2 से 3 बार करना है, प्रोटेक्शन लो और जो भी चीज़ें आती है उसको लेट गो करते जाओ। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।